हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिंकी लकड़ा ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, जय यीशु, जय जोहार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ, तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसमें आज हम होली क्रॉस कॉन्वेंट तांबिसरा राजस्थान की पूरी फैमिली घूमने निकले हैं और घूमने जा रहे हैं। हम राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में एक बहुत ही बड़े बांध को देखने जा रहे हैं और उस बांध का नाम है माही डैम। और इसके अलावा हम और भी अलग अलग स्थानों में घूमने जाएंगे। मुझे यहाँ रहते 1 ईयर हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक कहीं घूम नहीं पाई थी और आज पहली बार घूमने निकली, जिसमें हम सब पूरी फैमिली एक साथ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरी फैमिली एक साथ जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मज़ा आ रहा है। तो आज पूरी मस्ती के साथ घूमना है और आनंद लेना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे वीडियो पर बने रहिए और आप लोग भी एंजॉय कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, हम लोग धीरे धीरे अभी पहुंच रहे हैं और थोड़ी दूर पर कुछ कुछ थोड़ा 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 छोटा सा दिख रहा होगा बांध का नज़ारा। गेट दिख रहा है, हम पहुंच ही चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो डैडी, आप लोग कहाँ आए हैं बता दीजिए। माही डैम, ये है माही डैम। और सिस्टर आई है माही डैम देखने के लिए। माही डैम फर्स्ट टाइम ऐसे बैठे। आ देखो क्या कीड़ा है। भूख बहुत तेज है और हम आए हैं माही डैम घूमने के लिए। यह है राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में माही डैम। अनीशा है इधर, अनीशा। अभी आप लोग को दिखाऊंगी माही डैम। तो जो छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं वो लोग देख लीजिएगा मेरे चैनल पे, ये माही डैम। और कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। अरे इतना ज़्यादा धूप है कि हम तो देख भी नहीं पा रहे हैं कैमरे पर। भाग रही है बकरी, इतनी बड़ी बड़ी बकरियाँ देखो। ये है ऊपर जाने का रास्ता, यहाँ से जाते हैं ऊपर, यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होता है। मधु मैम इधर खड़ी है और आगे आगे बाकी लोग चले गए, उधर उनका फोटो सेशन चल रहा है। अनीशा और सिस्टर अनामिका कहाँ दिख भी नहीं रही हैं, इधर जूम करके दिखाती हूँ। ये और अच्छा वाला पोज। अभी ऊपर जाते जाते ऊपर पहुंचने के बाद दिखाऊंगी मैं। बहुत ही ऊंचा है, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा। 73। सिस्टर मैं 173 सीढ़ी चढ़ के आई हूँ। ये है माही डैम, क्या सीन है। इधर फोटो सेशन चल रहा है, ऊपर से व्यूज ऐसे आता है। इधर बहुत ही खूबसूरत, इधर सुशीला चश्मे में बहुत अच्छी लग रही है। इधर का सीन बहुत ही अच्छा है, बीच में रास्ता, साइड में नदी, पर अभी थोड़ा कम हो गया है पानी, थोड़ा नहीं बहुत कम हो गया है। सिस्टर
तो फ्रेंड्स हम लोग घूम करके आए ऊपर से, उधर आप लोगों ने देखा तो मैं सीढ़ी गिनती कर रही थी। टोटल इसमें 207 सीढ़ी है। 207 सीढ़ी चढ़ने के बाद में ऊपर से वो उधर पूरा बड़ा जो नदी है वो दिखाई देता है, और फिर इधर नीचे हम लोग वापस आ गए हैं। सिस्टर लोग आ रहे हैं, उनका वेट कर रही हूँ मैं। एंट्री गेट, अब यहाँ से हम लोग जाएंगे वाटरफॉल और दूसरे जगह। और यहाँ का गेट नहीं खुला है, ये जो बांध बना है यहाँ का गेट नहीं खुला हुआ है। पानी जब ज़्यादा भरा था तब खुला था, अभी बंद हो चुका है। यहाँ है 15 गेट, गेट बना हुआ है 15, और ये कुछ ही दिन पहले कम से कम 11 गेट खुला हुआ था जिस दिन तेज बारिश था, अभी बंद हो गया है। हम लोग थोड़ा लेट हैं इधर, और बहुत फोटो सेशन चल रहा है। सुशीला तो एकदम चश्मा वश्मा लगा के झलक रही है, क्या बात क्या बात। हेलो 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 हेलो, यहाँ क्या मिल रहा है? मूंगफली कर विमल 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 जुबा केसरी, और इधर टोकरी ली है अमीश अनीशा। कितना हुआ माल? कहाँ किया भाई? मैंने फल्ली 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 ये लिए हैं, ये बादाम बादाम से चिनिया बादाम छिलका रखने के लिए। तो जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं यहाँ पर सिस्टर्स गन सिस्टर गन फल्ली खरीद रहे हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। सिस्टर ने मुझे सबसे ज़्यादा खरीद ली फल्ली, उधर खा भी दी। सिस्टर सिस्टर एक बार टेस्ट करके देखे कि नहीं? टेस्ट करके देखना था। तो अब चलो मूंगफली दे दो। यहाँ पर ऐसा पूरी गाड़ी लगी हुई रहती है यहाँ। अभी धीरे धीरे बहुत भीड़ होगा यहाँ पर, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे। गाड़ी अनीशा चढ़ रही है, मैं भी चढ़ लेती हूँ। ओ माँ बंद हो रहा है। इस पल में ये दिल में लहरें देख रहे हैं कौन है वो। ये है बांध का दूसरा भाग, यहाँ पर बोटिंग किया जाता है। बहुत बड़ा एरिया में बांध बना हुआ है, बाप रे। हम लोग बोट में बैठे हुए हैं। Yeah.
ये है चाचा कोटा। क्या मिलेगा यहाँ? कुछ नहीं मिलेगा, बस ये देखने को मिलेगा। यहाँ से व्यूज कितना अच्छा आता है। फोटो चाहिए? इंसानों की भीड़ तो देखो। ओ भाई, ऊपर तो जगह ही नहीं है। चाचा का कोटा। चाचा कोटा। आंखों में, ख्वाबों में, किसी को ढूंढ रही है, कौन है वो? सांसों ने सोचे हैं, कब आएगा वो, कौन है वो? पलकों ने ढूंढा गे, कैसा रहेगा वो, कौन है वो? बहुत आती है तेरी यादें, तुमसे कहना है कुछ बातें, लेकिन इस जगह मेरे संग में तुमसे मुझको नहीं मुलाकात। छोला में क्या ला रहे? बहुत सारी चीजें खाने की है वहीं पे। और दो जन उधर भी झोला भर के क्या लेके जा रहे हैं खाने के लिए? दिखाओ क्या झोला, क्या पकड़े हो झोला में? दिखाओ भाई, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अनिशा बहुत छुपा रही है। छुपा लो छुपा लो, अभी खाते समय निकाल ही दोगे। ये है पार्क। पार्क है, पार्क रहे, झूड़ है, बोलो तो झूड़ है, झूड़ है। ये घास गदारी में, घास गदारी में। और ये ये क्या है? ये तो उर्वी सूखा चट्टान। भाग रहे इधर। ये है हम लोग का पिकनिक स्थल। सब्जी वाला कहाँ? उधर तो बांटना शुरू कर दी। चल बैठो। दिख रहा भूत जैसे। वापस आने के बाद की स्थिति ऐसे हो गई है।